हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी क्लब्स फॉर यू तो इससे पहले मैंने जो मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर की थी तो आप लोगों ने मुझे वहाँ पर बहुत प्यार दिया uh, थैंक यू सो तो मच तो उसके लिए एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्मोकी आइस क्रिएट करना बहुत ही टफ है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने आज ये जो लुक मैंने क्रिएट की है बहुत ही सिंपल है बहुत ही ईजी है एंड जो आई मेकअप मैंने आज क्रिएट किया है एक स्मोकी आइस आप लोग देख सकते हो एंड ये जो आई लुक है बहुत ही ईजी है आप लोगों को ये जो पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में देखने को इस वीडियो में देखने को मिलेगा सॉरी मेरी हिंदी बहुत ही टूटी फूटी हिंदी है एंड अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं मैं मेरे इस चैनल में बेसिकली मेकअप ट्यूटोरियल ब्यूटी टिप्स ब्यूटी हैक्स ऐसा वीडियो अपलोड करती हूँ अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर छोटा सा एक आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालू आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके और किसी को अगर मेरे सोशल साइट वो फॉलो करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो और आज मैं इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैं जितनी भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ की है वो सारा प्रोडक्ट की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चेकआउट कर लेना तो चलो ज़्यादा बातें ना करके वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो पहले आती है स्किन केयर की बारी तो स्किन केयर में मैं फर्स्ट आज यूज़ कर रही हूँ डाबर की गुलाब जल एज अ टोनर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया शुगर की कूलिंग स्टिक ये मेरी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और मतलब एक मॉइस्चराइज़र जैसा एक मतलब फीलिंग देता है उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया शुगर के एकूल एक हाइड्रेटिंग प्राइमर एंड उसके बाद मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया मे बिन का फिटमी फाउंडेशन इन द शेड थ्री टेन फाउंडेशन को ऐसे आ, लगा के उसके बाद मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से फाउंडेशन को फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो आ, लास्ट में लुक अच्छा नहीं आता है फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद अभी मैं लगाऊँगी कंसीलर ये शुगर की आ, जो मतलब क्या बोलते हैं इसको हाई कवरेज कंसीलर है मैंने इससे पहले भी पहले वीडियो में भी मैंने इस इसको यूज़ किया था आ, उसको लगाने के बाद मैं अच्छे से ब्लैंड कर लूँगी कंसीलर को भी कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद अभी बारी आती है मतलब सेट करने के लिए मेरे फेस को अभी मैं यूज़ कर हूँ मियोन की बनाना पाउडर मेरे मेकअप को सेट करने के लिए या फिर मेरे बेस को सेट करने के लिए स्पेशली सेट करने के बाद मैं मेरे अंडर आई में भी थोड़ा सा लूज पाउडर रहने दूँगी क्योंकि अभी मुझे मेरी आई लुक कंप्लीट करना है आई मेकअप के पहले मैं आईब्रोज को फिल कर लूँगी एक स्पूली की मदद से मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया उसके बाद मैं मियोन की एक जेल लाइनर की मदद से मैं मेरे आईब्रोज को फिल कर लूँगी आईब्रोज आई को फिल करने के बाद अभी बारी आती है आई मेकअप की आज मैंने एक शुगर की आई पैलेट मैंने ये आप यूज़ किया वैसे एक आ, मतलब क्या बोलते हैं इसको हल्का एक आ, पीची या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑरेंज हल्का एक ऑरेंज कलर की शेड लेके मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगी फर्स्ट ऑफ तो फर। ऑल उसके बाद एक ब्लैक आई शेडो लेके मैं अच्छे से ब्लै, ब्लैक नहीं ये ब्लू लाइक थोड़ा सा ब्लू ही है आप लोगों के पास ब्लैक हो या फिर ब्लू हो जो भी हो आप लोग यूज़ कर सकते हो अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी उसके बाद काजल के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट काजल यूज़ किया है ग्लैम ट्वेंटी वन की वाइट काजल उसके बाद मैं मतलब अंडर मतलब आँखों के बाहर मतलब उससे पहले मैंने जो यूज़ की आँखों के अंदर था वाइट काजल आँखों के बाहर मैं ब्लैक काजल यूज़ करके शुगर के ब्लैक काजल उसके बाद मैं अच्छे से पहले मैंने जो कलर यूज़ किया था आँखों के ऊपर उससे ही मैं आ, स्मैच स्मच कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मस्कारा यूज़ किया ये ये लैक्मी का नाइन्टी फाइव मस्कारा है मस्कारा के बाद अभी दोनों मेरे आई लुक कंप्लीट हो गई है मैंने आईलश भी लगा ली है उसके बाद फिर से थोड़ा सा और मतलब मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैंने कंटूर के लिए यूज़ किया शुगर की एक कंटूर पैलेट सिर्फ कंटूर है यहाँ पे इन द शेड ज़ीरो वन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा चेकआउट कर लेना एक बार जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया सबका लिंक आप लोगों को इंडिविजुअली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अच्छा आप लोगों को मैं फिर से बोल देती हूँ जो लोग आज मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना आ, ताकि मैं जब जब भी वीडियो डालो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लशर यूज़ किया शुगर की इन द शेड ज़ीरो वन पीच पैक ब्लशर के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया ग्रैंड फिनाले जो सेटिंग स्प्रे है शुगर की वो मैंने यूज़ किया मेकअप को सेट करने के लिए उसके बाद मैंने शुगर की ज़ीरो वन जो हाइलाइटर है वो मैंने यूज़ किया ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी पसंद है मतलब काफ़ी अच्छा है ये हाइलाइटर मेरी हिंदी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है इग्नोर कर लेना प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना बात ये है अच्छा लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नेकलाइन का लिपस्टिक नेक नेकलाइन या फिर कुछ और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए मिल जाएगा सब कुछ ओके okay? अच्छा तो इसमें दो शेड होता है एक डार्क और एक लाइट या फिर न्यूड होता है तो पहले मैंने डार्क शेड को यूज़ किया उसके बाद मैं पूरा लिप्स लिप्स पे पूरी लिप्स पे मैं वो न्यूड शेड अप्लाई कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा न्यूड शेड दिखने में लगे लिपस्टिक मेरी कंप्लीट है अभी थोड़ा इनर कॉर्नर में आँखों की मैंने हाइलाइटर लगा लगाने के लिए मैं भूल गई थी पहले तो अभी मैंने लगा ओके okay, तो अभी मैंने लगा ली वो इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर मेरे फाइनल लुक रेडी है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को भी प्रेस कर देना तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते टाटा -टा।